नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद यादव की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खबरों के मुताबिक आरोपी कहीं भागने की फिराक में था, लेकिन यूपी पुलिस ने अपने तगड़े एक्शन के साथ आरोपी को दबोच लिया है। चलिए इस पूरे मामले में आपको रूबरू कराते हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के जौनपुर में 7 मार्च की सुबह 9:30 पे भाजपा नेता प्रमोद यादव की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब भाजपा नेता अपनी ब्रेजा कार से जौनपुर के लिए निकले थे। गोलियां लगने के बाद गांव के लोगों ने उनको जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा के सब परिजनों को सौंप दिया था, जिसके बाद बताया जा रहा था कि पुलिस बदमाशों तक पहुंच गई है, जल्द ही इसका खुलासा होगा। तो आपको बता दें कि इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी आखिर पुलिस के चंगुल में गिरफ्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद यादव की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी कहीं भागने की फिराक में है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की। पुलिस ने आरोपी को सिकरारा थाना क्षेत्र के रीठी गढ़हारा पुल के पास से दबोच लिया। आपको बता दें कि 7 मार्च को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। प्रमोद यादव की हत्या को लेकर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस बदमाशों की पहचान लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, इसके बाद संदिग्ध मानते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि प्रमोद यादव ने 2012 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर की मल्हनी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा के पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की थी, वही जागृति सिंह दूसरे नंबर पे रही थी। हालांकि साल 2017 में धनंजय और जागृति का तलाक हो गया था। उसके बाद धनंजय ने तीसरी शादी श्रीकला रेड्डी से कर ली थी, जो कि अभी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष है। आपको बता दें कि 7 मार्च को प्रमोद यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की पहचान घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से कर ली। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।